रहे हैं यू फॉर यू लाइव, मैं हूं रविंदर सिंह, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सर शर्मा जी। शर्मा जी, आज वोट सेरेमनी का एक और स्टेप भी पूरा हो गया, तो किस तरह से देखते हैं कि अब जो विकास है वो कितनी दूर हो रहा है? विकास कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें रही हैं और ख़ासतौर पर पूरे देश भर में विकास में कहीं कमी नहीं है। मेरा मानना है कि कहीं हम और ख़ासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि निचले स्तर पर आम जनता को उनका हक जो है उनके घर में मिले, उनके डोर स्टेप पर मिले। मेरा मानना है कि उसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। आज सभी ऑनरेबल काउंसलर्स ने शपथ ली है और मेरा मानना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी कार्य हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। एक स्वच्छ भारत की जो निर्माण की कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक ये अच्छा कदम है। सर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जिस तरह कठुआ के 5 वहां से कॉरपोरेटर जीते थे, 4 ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हावी होती जा रही है, खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो? कांग्रेस मुक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी युक्त की भी बात हम सब करते हैं। आज लगातार से जिस तरीके से और ख़ास तौर पे कल जितने भी काउंसलर्स वहाँ पे चुनकर आए थे उन सब ने कहा है कि वो मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न है, वो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति एक समर्पित हैं और वो देखते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश को आगे ले जाने का कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और आज हर नागरिक जो है, नौजवान संख्या हमारी जितनी भी जनसंख्या है, 65% हमारी नौजवान जनसंख्या है, वो चाहती है हमारा भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और उनको सबको लगता है कि अगर देश को आगे कोई ले जाने में सक्षम है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति समर्पण का भाव उनके मन में आता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और एक अच्छे वातावरण में मैं समझता हूं कि बहुत कम, और जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं कांग्रेस के साथ लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ रेबल कैंडिडेट्स के बीच में थी। और आज जिस तरीके से काउंसिल्स के बीच में भी कल कठुआ में भी बनी है, उसके साथ साथ अलग अलग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिस्से हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने। एक आखिरी सवाल सर शर्मा जी, और कितने लोग जो कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं? इंडिपेंडेंट की बात की जाए, किसी और पार्टी की बात की जाए तो और क्या नंबर है ये? इस विषय में क्योंकि मेजॉरिटी रेबल्स हैं, इस विषय में जो भी आपस में बैठकर डिस्कशन होगी उसको फाइनल करने के बाद ही जो भी होगा। मुझे लगता है आज और आगामी आने वाले चुनाव में 2019 में पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के को वोट देगा और मेरा मानना है उस समय में एक अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश के लिए जो है वो बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से कल कठुआ से 5 लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीते थे, कॉरपोरेटर बने थे कांग्रेस की तरफ से, उनमें से 4 ने भारतीय जनता पार्टी कल जिस तरह से ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग उनको पसंद करते हैं कि 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा।